नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत राय। भारत प्लेलिस्ट के पिछले चैप्टर में हमने असम राज्य तक पढ़ा था। इससे आगे की जानकारी इस प्रकार है। तीसरा है आंध्र प्रदेश। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। यह भारत देश के दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। यह राज्य भारत देश में क्षेत्रफल के आधार पर 7वां और जनसंख्या के आधार पर 5वां सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 1,62,975 किलोमीटर वर्ग और जनसंख्या है अनुमानतः 4,93,86,799। इस राज्य को धान का कटोरा भी कहते हैं। यह राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित है। इसके अंतर्गत समुद्र का 972 किलोमीटर क्षेत्र आता है, जो लंबाई के आधार पर देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य की राजधानी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विशाखापट्टनम, यहाँ कार्यकारी अभिलेखों के कार्य होते हैं। दूसरा है अमरावती, यहाँ विधायकी के कार्य होते हैं। और तीसरा है कुरनूल, यहाँ पर कानूनी कार्य होते हैं। राज्य के विधान परिषद में 58 सीटें और विधानसभा में 176 सीटें और संसद में लोकसभा को 25 सीटें और राज्यसभा को 11 सीटें उपलब्ध हैं। राज्य के सीमा से उत्तर में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में तमिलनाडु और पश्चिम में कर्नाटक से मिलती है। चौथा है उत्तराखंड। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसको हम उत्तरांचल और फूलों की घाटी के नाम से भी जानते हैं। इसका क्षेत्रफल है लगभग 53,483 किलोमीटर वर्ग और जनसंख्या है अनुमानतः 1,86,292। इस राज्य को 13 जिलों में बांटा गया है। यहाँ की राजकीय भाषा है हिंदी और संस्कृत। राज्य की विधानसभा सीट 71 और संसद में लोकसभा सीट 5 और राज्यसभा सीट 3 उपलब्ध है। राज्य के सीमा के उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से मिलती है। इससे आगे की जानकारी हम अगले चैप्टर में देंगे। धन्यवाद।